एक समय की बात है, ठंड का मौसम था, रात हो गई थी। मोटू सो रहा था, लेकिन पतलू को नींद नहीं आ रही थी क्योंकि मोटू बहुत जोरों से खर्राटे भर रहा था। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद पतलू सो जाता है। रात को 12 बजे अचानक पतलू की नींद खुल जाती है। पतलू को कुछ आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कोई दरवाजा खटखटा रहा है। पतलू जब दरवाजा खोलकर बाहर जाता है तो देखता है बाहर एक आदमी खड़ा, उसके आसपास एक तेज प्रकाश है। यह देखकर पतलू बहुत डर जाता है। वह पतलू को बताता है कि 2 दिन बाद उसके तो मोटू की मौत होने वाली है। यह सुनकर पतलू बहुत दुखी हो जाता है। वह कहता है कि मोटू के बिना मैं कैसे रहूँगा, मैं भी मर जाऊँगा। पतलू उस बाबा से पूछता है कि मोटू को बचाने का कोई उपाय है, बताइए, मैं उसके बिना नहीं रह पाऊँगा। बाबा कहते हैं कि एक उपाय है, लेकिन वह बहुत कठिन है। पतलू कहता है कि वह अपने दोस्त को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। बाबा उसे बताते हैं कि काली पहाड़ी के पीछे गुफा में एक तांत्रिक रहता है जो उसकी मदद कर सकता है। पतलू बाबा के बताए जगह पर उस गुफा में जाता है और तांत्रिक से मिलता है और उसे सारी बात बताता है। तांत्रिक कहता है कि पहले तुम मेरे सवालों का जवाब दो, यदि तुम पास हुए तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। पतलू तैयार हो जाता है। तांत्रिक उससे पूछता है कि ऐसा कौन सा जीव है जो गर्दन काट देने पर भी कुछ हफ्तों तक जिंदा रहता है। थोड़ी देर सोचने पर पतलू को जवाब मिल जाता है। पतलू जवाब देता है कि ऐसा जीव कॉकरोच है। वह बिल्कुल सही जवाब देता है। जवाब सुनकर तांत्रिक खुश हो जाता है और वह पतलू को चमत्कारी पत्थर दे देता है और कहता है कि इस पत्थर को मोटू के सिर पर रात में रख दे, उसकी मृत्यु नहीं होगी। पतलू ऐसा ही करता है और मोटू की जान बच जाती है।